कभी जंगनेर सैंदी पुलिस चौकी, कभी सैया तो कभी खैरागढ़ से होकर निकलते हैं खनन माफियाओं के सैकड़ों ट्रैक्टर, जिसको लेकर खैरागढ़ जंगनेर सैंदी पुलिस चौकी कई बार सवालों के घेरे में रही है। ताजा मामला सैया खैरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव एला का है, जहां खनन माफियाओं ने एक सिपाही पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे सिपाही की मौत हो गई। रविवार की सुबह करीब 4:30 बजे सैया पुलिस को सूचना मिली कि सैया चौराहे से होकर दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली बालू भरकर जा रहे हैं। सूचना के बाद सैया थाने की पुलिस उनके पीछे पीछे पहुंच गई और ट्रैक्टर रोकने के लिए घेराबंदी करने की योजना बनाई, लेकिन तब तक कई ट्रैक्टर भागने में सफल हो गई। इसी बीच खैरागढ़ के पास नंगला सोन गाँव के नजदीक बालू से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई दिया। इसके बाद दबिश देने वाली टीम में सोनू चौधरी ने पुलिस की गाड़ी से उतरकर ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की। इस पर ट्रैक्टर चालक ने उसे रौंद दिया। घटना को अंजाम देकर ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल सिपाही को पुलिस उपचार के लिए आगरा ले गई, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सिपाही की मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जनपद के उच्च अधिकारियों समेत सर्किल की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। ACP रोहन पी वोत्रे ने बताया कि जिले में खनन माफियाओं पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत सैया पुलिस की टीम मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करने पहुंची थी। गाड़ी से उतरकर सोनू नाम के सिपाही ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, जिस पर ट्रैक्टर चालक ने उसे रौंद दिया और उसकी मौत हो गई। सिपाही की मौत के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना क्षेत्र सैया में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। कांस्टेबल सोनू कुमार चौधरी आज शहीद हुए। खनन माफियाओं के ऊपर नकेल कसने के लिए लगातार टीमों का गठन किया जा रहा था। इसी क्रम में थाना सैया में भी एक टीम का ऐसे ही गठन किया गया था। उनको मुखबिर द्वारा एक प्राप्त सूचना उनको मिली थी कि लगभग मॉर्निंग में 3 बजे के आसपास कुछ ट्रॉली और ट्रैक्टर्स खनन मटीरियल लेके सैया की ओर आने वाले हैं। उसी क्रम में इन्होंने कुछ 5-6 ट्रैक्टर्स का पीछा किया। जैसे ही ट्रैक्टर्स सैया से खैरागढ़ की ओर जा रहे थे, सोन का बड़ा नकला करके एक जो जगह है वहाँ पे इन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। सोनू ने नीचे उतर के गाड़ी से उसको रोकने की कोशिश की। उन्होंने जो ट्रैक्टर पे जो लोग सवार थे उन्होंने मारने की नीयत से सोनू कुमार चौधरी के ऊपर गाड़ी जो है वो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसी में उसकी दिक्कत मृत्यु हो गई। बॉडी को जो है SN मेडिकल में पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लगातार टीमों का इसमें गठन किया गया है और कई टीमें दबिश के लिए क्षेत्र में अभी कार्यरत। बताया जा रहा है कि सैया थाने में तैनात सिपाही अलीगढ़ जिले के थाना क्षेत्र टप्पल के फाजलपुर गांव का रहने वाला था। 2018 बैच के सिपाही सोनू चौधरी की शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई थी। सोनू के छोटे भाई भारतीय आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके पिताजी किसान थे, जिनकी पहले ही आकस्मिक मौत हो चुकी है। राजस्थान से बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन का खेल चल रहा है। जंगनेर खैरागढ़ थाना क्षेत्र की सीमा में होकर बालू लेकर आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली प्रवेश करते हैं, जिसके बाद सिंह और कागरोल थाना क्षेत्र में होकर आगरा की ओर जाते हैं। जंगनेर सैंदी चौकी से होकर निकलने वाले ट्रैक्टर रूबास भरतपुर की ओर जाते हैं। ट्रैक्टर के आगे और पीछे कभी मोटरसाइकिल, कभी बुलेरो या स्कॉर्पियो गाड़ियों से हथियारबंद गुर्गे चलते हैं। लंबे समय से ये खेल चल रहा है, मगर पुलिस इस पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। पहले भी पुलिस पर हमले हुए हैं। कभी खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग की तो कभी दुर्गा को गोली मारी। घटना के कुछ दिन तक पुलिस की सख्ती रहती है, इसके बाद फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाता है।